तो दोस्तों मैं उदिया हूँ, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। माता पिता की छुट्टी है, एक की छुट्टी है, मेरी छुट्टी है और तब जाके हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हमें दिल रोशन करने के लिए आज हम करेंगे पार्टी, क्योंकि आज हम घूमने चलने के लिए पार्टी बनाएंगे। यो मैन, आज हम मोमो बनाएंगे। आज तो मोमो की पार्टी हो रही है कि मुझे गाइस। तो दोस्तों मेरे साइकिल चला रही है सुबह सुबह, वो तब जाके कुकी चला रहा था मेरे साथ, पापा मुझे मंदिर ही नहीं ले गए। और अभी अब है ब्रेकफास्ट करने का टाइम। थैंक यू गाइस। सुबह से उठ के हमने कुछ नहीं करा है, थोड़ी सी चाय पी है, थोड़े से फैन खाए हैं, अब खाएंगे नाश्ता, उसके बाद लंच खाएंगे, फिर डिनर खाएंगे, बस खाते रहेंगे दिन भर। क्यों आयुष्मान? और हम खाएंगे फिर मोमो। हाँ, कौन बनाएगा? तो आज मैंने वादा किया है आयुष्मान को कि मैं बनाऊंगा। क्या बनाऊं? मोमो। किसके लिए? सारी फैमिली के लिए। ये तो दोस्तों आज आरती कुछ नया, कुछ कुमाऊनी डिश हमें खिलाने जा रही है, जो हमारे वहाँ तो नहीं बनती पर इनके वहाँ बनती। क्या बना रहे आरती? मडवे का कसार। ये क्या होता है? ये मडवे का मीठा मीठा। मडवे का मीठा मीठा मतलब कसार, जैसे प्रसाद बनाते हैं गेहूं के आटे का। हाँ, तो ये मडवे का वैसे ही है ना, मडवे का आटे का। ये क्यों बनाते हैं हम सर्दियों में? गर्म होता है मडवा। अच्छा है, कुछ ठंडा है तो रात को कुछ उड़ने की जरूरत नहीं है, इसे खा कर सो जाओ, गरम गरम है। चलिए दोस्तों बन रहा है, फिर खा के आपको टेस्ट करवा के दिखाएंगे कैसा बना है ये। इसके शक्ल तो इसकी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है, इसकी शक्ल तो ऐसी लग रही है कुछ जानी पहचानी। कुछ याद आ रहा है अपनी शक्ल? तेरी भी है। दोस्तों कशार बन के तैयार है इसका कलर। इसके कलर से तुम्हें क्यों परेशानी है जबकि चलिए भाई मम्मी टेस्ट करके बता रही है कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। बाड़ी। हाँ, आज खाने में नई डिश बनी है, बड़ा मजा आ रहा है खा के। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल आगे देखे क्या क्या होता है। क्यों आयुष्मान? आज क्या होगा? पक्का यही बोलेगा मोमो बनने वाले हैं। ये दवाई तो एकदम जबरदस्त है। तो दोस्तों ना घर में सीलन आ रही थी, हमने सोचा प्लम्बर को बुला के एक बार दिखा लिया जाए, और प्लम्बर साहब आ गए हैं। ये शावर भी खराब हो रहा था, इसे भी हमने चेंज कर दिया है, और ये दीवार पे ना जो नल है इनसे पानी शायद लीक हो रहा, तो उस तरफ की दीवार पे ना पानी आ रहा है अंदर, मतलब सीलन आ गए, पूरा पेंट भी खराब हो गया, तो मजा खराब हो गया पूरा। तो दोस्तों शाम हो चली है, बड़ा जी क्लबी ने पहना है आयुष्मान की ड्रेस। इकुले इकुले तो दोस्तों शाम हो चली है और एकलव्य और आयुष्मान को घूमना है बाइक में, इनको हमेशा बाइक में घूमना होता है संडे को, और दोनों में लड़ाई ये होती है कि कौन आगे बैठेगा, कौन बैठेगा। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग जा रहे हैं संडे मार्केट, वहां पे थोड़ा सा कुछ काम है, कुछ सामान लेना है, तो सामान लेके फटाफट वापस आते हैं, फिर आप सबको ले चलेंगे मेरे दोस्त के घर। तो दोस्तों यहाँ पर फल सब्जियों की दुकानें लगती है हर संडे टू संडे, यहाँ पे लोग बहुत सारी सब्जियाँ खरीदने आते हैं पूरे हफ्ते भर के लिए। तो हम भी आए हैं कुछ काम से, थोड़ा बहुत हमने भी कुछ लेना था, चलिए फटाफट लेते हैं और फिर चलेंगे आप सबको लेके मेरे दोस्त के घर, और मिलेंगे आपको वहीं रास्ते में। आज आयुष्मान ने कहा था मोमो बनाना, पर किसी कारण बस मोमो आज बना नहीं पाए, तो फिर कभी बनाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं रास्ते में और शाम ढल रही है, तो धीरे 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 ठंड भी बढ़ रही है, और आजकल अब दिसंबर का महीना है तो ठंड बढ़ना तो जायज़ है। और खेतों में देखिए अब हल्की से धुंध भी आपको देखने लगी है, कुछ दिन बाद कोहरा भी आएगा, और सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, फिर वापस भी हमको आना है और मिलेंगे आपको। इधर इस साइड ना बिल्कुल भी कुछ नहीं था जब हम पहले पहले बार योगी के घर आते थे, याद है? और अब जो पूरी कॉलोनी बसने वाली है, और बस गई है, मतलब ऑलमोस्ट घर भी बस गए हैं। तो ये यकीन नहीं होता कि
जो जो आज आज से 10 साल पहले जो कृषि भूमि थी आज वो आवासीय भूमि में बदल गई है। ये भी कुछ बन गया है यहाँ पे, तो ये पहले से था वैसे पर इतना बड़ा नहीं था ना, डेवलप हो रहा है ना, घर बन गया, सब बन गया। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हम लोग पहाड़ छोड़ के यहाँ आ गए, मतलब मेरा तो ससुराल यहीं पे हुआ फिर, तो अगर सारी भूमि ऐसी आवासीय बन जाएगी तो खाएंगे कहाँ से, फिर हम भी दुबई बन जाएंगे। दोस्तों खेतों में आजकल पानी डाला जा रहा है क्योंकि गेहूं लगे हुए हैं, तो गेहूं की पौध अभी उगी है, तो उसके लिए पानी के लिए ये ट्यूबवेल्स लगे हैं जगह जगह, शायद ये किसी का पर्सनल ट्यूबवेल होगा। अभी हम लोग आ गए हैं एक क्रशर में, यहाँ से कोसी नदी बहुत नजदीक है, तो वहाँ से ला के जो रेता बजरी है यहाँ पे रखा जाता है, और यहाँ पे फिर उसको अलग अलग वेराइटी में बना के बेचा जाता है या आगे सप्लाई किया जाता है जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का। भले ही मौसम पतझड़ का हो लेकिन खेतों की हरियाली जो कि गेहूं और सरसों से बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे आप लोगों के घर पे। तो दोस्तों फिलहाल हम उनके घर आ पहुंचे हैं ऑलमोस्ट, और वहां पे वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि वो लोग शायद इतने कैमरा फ्रेंडली लोग नहीं है, तो इसलिए मैं बनाना भी नहीं चाहता, पर फिर भी हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और मिलेंगे आपको बहुत जल्दी। टिल देन कीप वाचिंग गाइस। तो दोस्तों मैं डंपर पे आ गया, मैं डंपर चला भी रहा हूं। ये दरवाजा बंद कर दो। बस 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 तू अलकला कर मत। देखो मैं डंपर चला रहा हूं, स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा हूं। अबे तो दोस्तों मैं जा रहा हूं हलवानी, और पापा पापा यहीं पर ही कुक के साथ रहेंगे, मैं जा रहा हूं हलवानी। बाय दोस्तों। हम घर आ गए हैं और मैं वो हमने बहुत मजा किया, मैंने तब्बर और टब्बर में बैठा था, और आज हम ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वाचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर, बाय। मुझे देखो ये ना।